आपने एक फिल्म तो देखी होगी, फॉर एवर यंग, ए पायलट फ्रोजन इन 1939 अवेक्स इन 1992। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आफ्टर 30 इयर्स ये कॉन्सेप्ट रियलिटी बन जाएगा। इंसान की हमेशा से सबसे बड़ी डिज़ायर ये है कि वो कभी ना मरे, कभी उसकी मृत्यु ना हो, कभी उसको मौत ना आए। वो हमेशा की ज़िंदगी जीना चाहता है और इसका तरीके हासिल करने की हमेशा से कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ पर इंसान अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया और वो है मौत, डेथ। डेथ से सबको बहुत डर लगता है। ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा खौफ ही डेथ है कि एक दिन वो मर जाएगा। लेकिन अब ये खौफ ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि क्रायोनिक्स एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जहां पर लोग मरने के बाद अपने आप को फ्रीज करवा रहे हैं। यानी अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो उसके लिए मरना बहुत ज़रूरी है। मरना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि मरने के बाद आपको -136 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका एक ख़ास मेथड है, एक ख़ास तरीका है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप मर जाएं। वो गालिब ने कहा था ना कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये भी नहीं पता कि मरने के बाद आप चैन पा सकेंगे या नहीं, क्योंकि ये होप है कि क्रायोनिक्स के ज़रिए वो इंसान जो अपने आप को मरने के बाद फ्रीज करवा रहे हैं, तो आफ्टर 100 ईयर्स और आफ्टर 1000 ईयर्स जब उनको रिवाइव किया जाएगा तो क्या वो रिवाइव हो सकेंगे। लेकिन चांस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक है मौत जिसके बाद दोबारा वापसी नहीं, और दूसरा है क्रायोनिक्स जिसमें अपने आप को फ्रीज करवा के हो सकता है कि 100 साल के बाद, इस होप पर कि जब फ्यूचर मेडिकल टेक्नोलॉजी विल एडवांस टू ए पॉइंट वेयर इट इज़ पॉसिबल टू रिपेयर द डैमेज, और कोई ऐसी बीमारी जिससे आप मरे हैं उस वक्त तक उसका इलाज निकल आए। क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि लॉन्जिविटी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, जहाँ पर अब इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि कुछ साल के बाद हो सकता है कि इंसान की ज़िंदगी 100 साल तक कर ली जाए, और फिर उसके बाद हो सकता है कि 200 ईयर्स तक वो जी सके। और ये उस वक्त होगा कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी होगी कि फिर ये तमाम बीमारियाँ, इलनेसेस जिनकी वजह से आप मरते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस दौर में, जबकि इन बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा सका, अपने आप को मरने के बाद फ्रीज करवा लिया, तो फिर हो सकता है कि आगे चलकर आपको रिवाइव किया जा सके, आपको दोबारा से गर्मी पहुंचाई जाए और आप उठ के खड़े हो जाएं। तो इसके लिए जब आपको ये पता चलेगा कि इंसानों ने तो मरने के बाद अपने आप को रजिस्टर भी करवा लिया है, 500 पीपल फ्रॉम अमेरिका अपने आप को फ्रीज करवा चुके हैं, उनकी बॉडीज़ फ्रोजन हैं, और 5000 पीपल जो कि पूरी दुनिया से इसके लिए रजिस्टर हो चुके हैं। ये कंपनी है एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन वाले इसके लिए $200,000 से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो दोबारा की ज़िंदगी मिलने के लिए भी पैसा चाहिए भाई, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। और एक और फिल्म मुझे याद आ रही है, पैसेंजर्स। उस मूवी में हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप में कुछ एस्ट्रोनॉट्स, उनको सुला दिया गया है और उन्होंने उठना है एक ख़ास टाइम फ्रेम पर, उनकी वो बेल लगा दी गई है, उनका वो सिस्टम बना दिया गया है कि इतने 100 सालों से पहले वो नहीं उठ सकते। इसकी वजह ये है कि दुनिया में प्लैनेट पर ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और वो कुछ लोग जो बचे हैं वो जा रहे हैं किसी और स्पेस पर, किसी और प्लैनेट की तरफ। तो यही नहीं बल्कि और भी आपको साइंस फिक्शन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। तो अब आप टाइम ट्रैवल करेंगे थ्रू मेडिकल एडवांसमेंट। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? आप सोचेंगे कि क्या किसी बड़े आदमी ने ऐसा सोचा है या करवाया है?
तो देखिए इस बिजनेस में इस वक्त जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जेफ बेजोस भी शामिल है, उसमें लैरी पेज भी शामिल है, उसमें सैम ऑल्टमैन भी शामिल हैं और भी कई एक टेक टाइटंस इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है ब्लूमबर्ग में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ब्लूमबर्ग में ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास $2,00,000 हैं और आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एल्कोर फाउंडेशन से आप फौरन कॉन्टैक्ट करें कि जब नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि जब आपका वो टाइम आए, ये तो आपको सोचना है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, नहीं चाहते, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। यानी आप ये सोचें कि शायर ने जो कहा था कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, कि मरने के बाद आपको फ्रीज कर दिया जाता है। अब 100 ईयर्स गुजर गए और तमाम इलनेसेस पे कंट्रोल कर लिया गया, आपको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, आपको रिवाइव कर लिया जाता है, लेकिन क्या आपके ब्रेन को भी रिवाइव किया जा सकेगा? क्या आपकी पर्सनालिटी भी वैसे ही दोबारा जागेगी जैसे कि पहले थी? क्या आपकी मेमोरी भी वैसे ही रहेगी और आपको 100 साल पहले की हर चीज़ याद होगी, या आप सब कुछ भूल चुके होंगे? अगर आपको कुछ नहीं याद होगा तो भी मुश्किल होगी, आपको क्या बताया जाएगा कि इस तरीके से जब आप मरे थे तो आपने अपने आप को फ्रीज करवा लिया था और अब आपको 100 साल के बाद दोबारा रिवाइव किया गया है, तो आप अपनी लाइफ क्या सही तरीके से गुजार सकेंगे? या अगर आपकी मेमोरी सही रहेगी और तब भी आपको पता ही चलेगा कि आप 100 ईयर्स के बाद जागे हैं और आपके घर वालों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, इस दुनिया के साथ, प्लैनेट के साथ ये कुछ हो चुका है और अब ये हो रहा है, तो क्या उसको भी आप हजम कर पाएंगे? और अगर आपको रिवाइव कर लिया जाता है तो फिर रिवाइवल के बाद इंसान कितने अरसे तक ज़िंदा रहेगा? क्या फिर वो हमेशा ज़िंदा रहेगा? तो इन सवालों का जवाब उन डॉक्टर्स के पास और साइंटिस्ट के पास भी नहीं है जो ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं पता कि क्या होगा। और फिर हमारा तो एक और सवाल है कि अगर 100 साल के अंदर कोई एस्टेरॉयड आके प्लैनेट से टकराता है, ज़मीन से, धरती से टकरा जाता है, धरती ख़त्म हो जाती है, 80% 90% सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को फ्रीज करवाया है वो किसी ना करी तरीके से वो बच जाते हैं, और फिर कोई और स्पीशी, कोई और एरा, कोई और एलियन या कोई और इस तरीके से आता है, या कुछ ऐसा होता है, कोई और बिग बैंग होता है, और वो एक ऐसे टाइम में दोबारा से उनको जाग जाते हैं या ज़िंदा हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? और इसी के अंदर सवाल ये भी है कि $2,00,000 खर्च करने के बाद अगर प्लैनेट ही ख़त्म हो जाता है और आप भी नहीं बच पाते। मैं देख रही थी कि कहीं पर 300 पीपल का कहा गया है कि वो मरने के बाद उन्होंने अपने आप को फ्रीज करवा लिया है, कहीं पर 500 पीपल लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लें कि 300 से 500 के बीच ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा के शामिल हो चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहे और 100 साल के बाद या 50 साल के बाद भी, क्योंकि अब बहुत तेज़ी से इस चीज़ पर काम हो रहा है कि लॉन्जेविटी, यानी ये कि इंसान किस तरीके से ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकता है। भाई जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मरने के बाद बरज़ख में जाना है, दोज़ख में जाना है, जन्नत में जाना है, तो आप कहाँ पर होंगे? और आप तो दोबारा उठ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये दोज़ख, जन्नत और बरज़ख का जो कॉन्सेप्ट है ये भी फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा। मुझे तो लगता है बहुत सारे कानून, बहुत सारे लॉस ऐसे जो हैं वो सब के सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। लेकिन रीइनकार्नेशन का क्या ये एक नया तरीका है? रीइनकार्नेशन का एक रीइनकार्नेशन तो कही जाती है कि जो आपने, आपकी जो एनर्जी है वो रहती है और वो वापस आएगी। तो इसके अंदर भी ये सवाल है फिर कि अगर आपने अपने आप को फ्रीज तो करवा लिया, आप फ्रोजन हो गए, लेकिन क्या आपकी एनर्जी वहीं पर आपके साथ है या वो कहीं और फिर रही है? क्या एनर्जी जो है वो आपके क्लिनिकली डेड होने के बाद कहीं और रीइनकार्नेट कर जाएगी? तो फिर आपको आफ्टर 100 ईयर्स या 1000 ईयर्स के बाद कैसे जगाया जाएगा? आपको कैसे रिवाइव किया जाएगा? क्या उस वक्त कोई और एनर्जी आपके साथ आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी तो कहीं और रीइनकार्नेट हो चुकी? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और हम देखेंगे कि इसका फ्यूचर कैसा रहता है। हम देखेंगे या नहीं देखेंगे,
ये तो हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम हम जो आने वाला कुछ अरसे तक फ्यूचर है वो तो देख सकते हैं। इस ट्रस्ट के बारे में ये है कि $1,15,000 इज़ पुट इनटू दिस ट्रस्ट फॉर न्यूरो प्रिजर्वेशन, यानी कि सिर्फ हेड के लिए। ओनली फॉर द हेड $25,000 इज़ एलोकेटेड। इसको एक फॉल्स होप भी कहा जा रहा है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि टिश्यूज़ को तबाह होने से बचाया जा सकेगा। और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि साइंटिफिक, एथिकल एंड क्लिनिकल क्वेश्चंस निकल रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि लोग अपने साथ अपना पैसा और अपनी फेवरेट थिंग्स भी फ्रीज करवा रहे हैं, यानी अपने पास रख रहे हैं अपने आप को फ्रीज करवाते हुए। तो है ना मम्मी वाला तरीका। मिलते हैं दोबारा।